पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी नक्सली नूनूचंद महतो को गिरिडीह पुलिस ने मीडिया के सामने लाया। इस दौरान एसपी अमित रेणु ने प्रेस से बात की, यह बताया कि सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस के द्वारा पाराथ इलाके में चलाए जा रहे अभियान के दबाव, गिरिडीह जिला पुलिस के सामुदायिक पुलिसिंग तथा झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नूनूचंद ने सरेंडर किया था। एसपी ने यह भी बताया कि नूनूचंद किन किन घटनाओं में शामिल रहा था। इस प्रेस वार्ता के साथ ही ईटीवी भारत की उस खबर पर मुहर लग गई जिसमें 5 दिनों पूर्व यह बताया गया था कि नक्सली नूनूचंद ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान एवं आत्मसमर्पण नीति का प्रचार प्रसार के संदर्भ में आज सीबीआई माओवादी संगठन के सब जोनल कमेटी के सदस्य नूनूचंद महतो, जिनका उपनाम नूनूबाल टाइगर को गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने सरेंडर किया है आत्मसमर्पण नीति के तहत। हमारी ओर से, गिरिडीह जिला की ओर से उनका स्वागत है मुख्य धारा में। ये 2008 में गोविंद मांझी के कहने पे अजय महतो के द्वारा माओवादी दस्ता में शामिल हुए तथा 2014 में ये सब जोनल कमेटी के सदस्य बनाए गए। तब से ये पारसनाथ सब जोन के पूर्वी क्षेत्र में संगठन का कार्यरत है। इस अंतराल में इनके विरुद्ध गिरिडीह जिला, धनबाद जिला तथा बोकारो जिला में कई कांड दर्ज किए गए हैं माओवादी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के संदर्भ में। कुल 72 कांडों का संख्या अभी तक पता चला है। गिरिडीह पुलिस तथा सीआरपीएफ बल के द्वारा लगातार छापेमारी, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत घर वालों तथा परिजनों से संपर्क कर झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है तथा अन्य साथियों से भी आत्मसमर्पण करने का अपील किया है। झारखंड सरकार के द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये वर्ष 2008 से 2019 तक पारसनाथ एवं आसपास के घटित लगभग सभी आपराधिक घटनाएं, नक्सली घटनाएं जो हैं उसमें इनकी संलिप्तता रही है। इनके आत्मसमर्पण से इस क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें खास करके कुखरा, अरलाडी एवं धनबाद जिला से सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा पड़ता है उसमें अच्छी खासी नक्सलवाद में कमी आएगी।